केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोटद्वार के लिए रात्रि ट्रेन की मंजूरी दे दी है। इस ट्रेन के संचालन से लैंसडाउन में पर्यटक आसानी से यात्रा कर पाएंगे। बता दें कि कोटद्वार के नागरिक लंबे समय से ट्रेन संचालन की मांग कर रही थी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि 29 अगस्त को जिला उद्योग व्यापार का प्रतिनिधि मंडल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिला था। सांसद बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल मंजूरी की पैरवी की, जिसके चलते आज कोटद्वार ही नहीं बल्कि गढ़वाल के लोगों के लिए भी ये एक बड़ी सौगात है। एक्सप्रेस में दो डिब्बे लगते थे कोटद्वार से दिल्ली जाने के लिए, वो बंद थे। कोरोना काल के बाद लिंक बंद कर दी गई थी, इसलिए कोटद्वार की जनता के लिए रात्रि ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि गढ़वाल का कोटद्वार प्रवेश द्वार है और लैंसडाउन में जो सेना है, गढ़वाल राइफल है, उसके सेंटर है और तमाम जो सैनिक हैं हमारे देश भर में सीमाओं में वहाँ से जाते हैं, वहाँ से हमारी रक्षा करते हैं, उनको भी सुगम यात्रा के लिए ट्रेन महत्वपूर्ण होगी। और लैंसडाउन जो है वो बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो इसलिए लैंसडाउन के जो पर्यटक हैं उनके लिए भी ये ट्रेन महत्वपूर्ण होने वाली है और बड़ा, जिससे कि वहाँ के जो हमारे युवा हैं, स्थानीय युवा हैं, जब लैंसडाउन में इस ट्रेन के माध्यम से जो सुगमता से यात्री आएंगे, जो हमारे पर्यटक आएंगे, उनको सुगमता मिलेगी, तो निश्चित रूप से ट्रेन को ढूंढते हैं यात्री, सुगम यातायात को ढूंढते हैं, तो वहाँ के युवाओं को, जो हमारे स्थानीय जो युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात है गढ़वाल के लोगों के लिए।